वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह साइक्लिसिटी रूल फॉर 6। इससे पिछले वीडियोस में हमने साइक्लिसिटी रूल फॉर 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा और 5 देखा। अब हम साइक्लिसिटी रूल फॉर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइक्लिसिटी रूल फॉर 6। साइक्लिसिटी रूल फॉर 6 क्या कहता है? वी नो दैट वेरी वेल 6 to the power 1 इज इक्वल टू 6। अंडरस्टैंड? 6 to the power 2 इज इक्वल टू 36। 6 to the power 3 इज इक्वल टू 216। नाउ साइक्लिसिटी रूल क्या कहता है कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। सो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? फर्स्ट में यूनिट डिजिट मेरे पास 6 है। 6 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट पर मेरे पास 6 है, तो 3 को मैं रफ कर देता हूँ। नाउ 6 क्यूब में भी यूनिट डिजिट पर मेरे पास 6 है, तो 21 को मैं क्या कर दूंगा? इरेज कर दूंगा। सो साइक्लिसिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि 6 को 6 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स डेट कि 6 की हम कितनी भी पावर इंक्रीज करेंगे यूनिट डिजिट पर हमें क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा, वो क्या है? 6 है। इट मीन्स इसका कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करेंगे कि साइक्लिसिटी, इट मीन्स डेट कि साइक्लिसिटी ऑफ 6 इज 1। कि जो 6 की साइक्लिसिटी है वो कितनी है? 1 है। वन क्यों है? क्योंकि 6 की हम कितनी भी पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 power 1 ली, पावर 6 की पावर 2 ली, 6 की पावर 3 ली, तो सब जगह पर यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है? सिर्फ 6 आ रहा है। इसीलिए क्या कंक्लूजन हम करेंगे ड्रॉ कि साइक्लिसिटी ऑफ 6 इज 1। की जो 6 की साइक्लिसिटी वो क्या है? 1 है। सेम 5 के लिए भी हमने देखा था, 5 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। 1 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है? 1 होती है। Now, अब इसके लिए हमें क्या टेबल बनाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं टेबल बनाने की। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा 726 की पावर 312। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 726 की पावर 312 को, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, जो आंसर आएगा, उसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी एक गिवन नंबर है उसके यूनिट डिजिट को देखते हैं। इसके यूनिट डिजिट पर क्या मिला हमें? 6 मिला। 6 में इसका मतलब क्या है कि हमको साइक्लिसिटी रूल फॉर 6 को अप्लाई करना है। साइक्लिसिटी फॉर रूल 6 को अप्लाई करना है। अब 6 का साइक्लिसिटी रूल क्या कहता है कि साइक्लिसिटी ऑफ 6 इज 1। जो 6 की साइक्लिसिटी वो कितनी है? 1 है। इट मीन्स दैट हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि इसके जो यूनिट प्लेस पर आएगा वो 6 आएगा। अंडरस्टैंड? 6 से क्यों आएगा? क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो विदाउट टेबल बनाए, विदाउट टेबल को देखे, टेबल को देखे बगैर भी हम क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं कि इस पूरे का जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पर 6 डिजिट आएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर सभी को? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, आप वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।